अभी आप लोग डायरेक्टली गए मुंबई से काशीद आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेट्टी बन रहा है। ये जो है बाहर से कुछ ऐसा गेट आपको देखने को मिलेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू यट अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग गाइज बहुत 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 मज़ेदार होने वाला है। आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, मतलब मुझे तो उस जगह का बरसों से इंतज़ार था सच बताऊँ तो, और आज मैं उस जगह पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मुरुड, और मुरुड में हम क्या करने जा रहे हैं गाइज वो आपको अपकमिंग व्लॉग्स में पता चलेगा। वो मैं सीक्रेट रखता हूँ अभी, लेकिन अभी आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ इस जर्नी को। क्योंकि पता है क्या, क्योंकि गाइज डेस्टिनेशन पे पहुँचने का उतना मज़ा नहीं है, लेकिन उस जगह जाने का, बोले तो उस सफ़र को इंजॉय करने का अपना जो मज़ा है ना, वो आप देखने वाले हो इस व्लॉग में। और रास्ते में आपको मतलब सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे 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 कहाँ कहाँ पे पहुँचना होता है। बाकी देखो, रास्ते के बारे में मेरे से ज़्यादा ब्रजेश जानता है, तो ब्रजेश आपको थोड़ा बताएगा कि मतलब हम कहाँ से चले हैं और कैसे कैसे मुरुड पहुँचेंगे। वो हम चले हैं आज अलीबाग से। तो पिछले ब्लॉग में आपको हमने दिखाया था कि अलीबाग से हम काशीद गए थे, तो ये जो मुरुड है वो काशीद से कुछ किलोमीटर उसी रूट पर और आगे है। तो ऐसे ही जैसे आप नज़ारा देख रहे हो, ये जो बहुत प्यारी सी जो रोड है, जो प्यारा सा जो रूट है, तो वही समंदर पहाड़ों के बीच का ये रास्ता है, वहीं से गुजरते हुए जाएंगे। जितने नज़ारे होंगे आपको दिखाएंगे, और जो बताने वाली दिखाने वाली चीज़ है जो हमें अच्छी लगी, जो जो हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, और बस रास्ते के सफ़र का मज़ा यूँ ही लेते रहेंगे, और आपको भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, बताते रहेंगे। इस रोड पे गाइज हमको बहुत कुछ मिलने वाला है, और वो सब आप देखने वाले हो, तो स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग। Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look, look, look. I told Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women if I want them. तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काशीद बीच पे, और काशीद जो है मुरुड के ही रास्ते में पड़ता है, बहुत ही फेमस बीच है। और फेमस किस लिए है ये मैं आपको ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस व्लॉग में दिखा चुका हूँ, के ऊपर एक कंप्लीट व्लॉग बनाया हुआ है, आप जाके वो व्लॉग देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे आए हमको एक चीज दिखाई दे रही है, ब्रजेश क्या है वो? देखो वहाँ पे कुछ पता नहीं, सिंपली कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ तो डेवलप हो रहा है वहाँ पे काशीद में। ये पहले नहीं था वहाँ पे, पत्थर वत्थर डाल के पानी के बीच में कुछ तो ये लोग डेवलप कर रहे हैं, कुछ तो वो चीज है जो बन रही है वहाँ पे, उसके बारे में भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी कभी आएंगे तो बन जाएगा, तब तक बाकी अभी हम लोग जो है काशीद बीच पे हैं। जस्ट रुके थे आप लोगों को केवल बताने के लिए कि हाँ, मुरुड के रास्ते में काशीद बीच भी पड़ता है। गाइज अभी आपको बताया था ना कि वहाँ पे कुछ तो डेवलप हो रहा है पानी के अंदर, कुछ तो बन रहा है, पता उसके बारे में अभी बहुत बहुत एक बुलेटिन है, मतलब एक तरीके की बहुत ही खतरनाक न्यूज है जो हमको पता चली है कि उधर क्या बन रहा है। ब्रजेश बताएगा ये चीज आपको। हाँ, मैंने अभी वो एटीवी राइड वाले से जस्ट पूछा अभी कि भैया वहाँ पे कुछ हमें लग रहा है डेवलप हो रहा है, बोला क्या है, तो ये वहाँ पे रोरो फेरी का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हम करीबन शायद 2 साल लगे उसको ये पूरा बनने में। टाइम का भी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, 1.5-2 साल उसने बताया, मतलब 1.5-2 साल तो जाएगा ही, बट अगर एक बार ये बन गया तो ये काशी बहुत अच्छा बीच है, तो पीपल फ्रॉम बॉम्बे कैन ट्रैवल टू दिस बीच इजीली। पहले लोग वहाँ पे अलीबाग आते थे, अलीबाग से फिर बाई रोड तक यहाँ आते थे, या फिर बाई रोड बॉम्बे से लोग काशी तक का ट्रैवल करते थे। अभी अगर ये हो जाएगा तो आधे टाइम में यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, काशी में बड़े बड़े रिजॉर्ट आ सकते हैं, क्योंकि बीच बहुत ये इजी हो जाएगा यहाँ पे। सच में यार ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यार उन लोगों के लिए जो काशीद आते रहते हैं घूमने फिरने के लिए। अभी आप लोग डायरेक्टली गए मुंबई से काशीद आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेट्टी बन रहा है,
आपको कहीं इधर उधर अलीबाग तक आने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मुंबई से कासिद आप लोग आओगे। क्या बात है यार, बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। हालांकि हम अभी कितना 15-20 दिन हुआ होगा हमको ब्रिजेश में, जिक्र भी नहीं था इस चीज़ का, तब अभी वाह यार जेट्टी बन रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए गाइस अभी शुरू करते हैं सफर आगे का। Then I tell them, don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. तो गाइज अभी मुरुड़ के रास्ते में हमको एक चीज़ और मिली है, आज आपको मतलब चीज़ें दिखाते हुए जाएंगे हम। जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हो ये है नवाब पैलेस, किसी टाइम में ये मुरुड़ रियासत के नवाब थे, उनका महल हुआ करता था, और अभी फ़िलहाल ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुका है। ये है नवाब पैलेस, किसी टाइम में जो है मुरुड़ के नवाब जो थे या राजा जो थे यहाँ पर रहा करते थे। तो अभी थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा जितना मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अंदर जाना बिल्कुल मना है, हो सकता है शूटिंग वूटिंग करना भी मना हो, बट हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर से। तो ये जो है बाहर से कुछ ऐसा गेट आपको देखने को मिलेगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद, हो सकता है जिसने खरीदा है थोड़ा इसको सुधरवाने की कोशिश कर रहा है। और अंदर से गाइस देखो, ज़्यादा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे जाके वीडियोबाजी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अंदर से कुछ ऐसा है, अभी एंट्री वगैरह। तो गाइस अभी यहाँ पे जो इस पैलेस का टेक केयर करते हैं एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला देखो यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेना, वीडियो वीडियो लेना बिल्कुल मना है। तो हाँ एक चीज़ और उन लोगों ने बताई हमको कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है लेकिन अभी भी उन्हीं का है जिनका मुरुड़ जंजीरा फोर्ट था ना, जो नवाब साहब थे उन्हीं का ये पैलेस है। तो फैमिली स्टिल लिव देयर, हाँ तो उनकी फैमिली अभी भी यहाँ पे रहती है, वो सेटल कहीं और हो गए हैं जो भी है, लेकिन आते हैं यहाँ पे रहते हैं, करते हैं अपना जो है। तो वो बोल रहा था ना मैं किसी ने खरीद लिया है तो वो सब गलत था। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ यार, अभी सफ़र बाकी है हमारा, टारगेट तो कुछ और ही है आज। चलिए फिर, ये देखिए अपनी बाइक, इस बाइक के पीछे भी एक कहानी है, वो बताने लग जाऊंगा आपको तो पता है बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। ब्रजेश यहाँ पे नींबू सोडा पीते हुए, सही है, बहुत सही है। फाइनली जो है हम लोग मुरुड़ पहुंच चुके हैं, और आगे की मंजिल क्या है गाइस वो मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा, वो आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इतना मज़ेदार होने वाला ना, एक तरीके से मुझे तो इतना सारा एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि मतलब मेरा यहाँ इस जगह पर आना एक ड्रीम था। जब मैं यहाँ पर अलीबाग में आया था या यूँ कहूँ मुंबई में आया था, तो मेरा एक ड्रीम था कि यार उस जगह पर मैं एक दिन जाऊँगा। तो मतलब छोटा सा एक ड्रीम था हालांकि, जो आज पूरा हो रहा है। तो मैं तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और फाइनली हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारी आगे की जर्नी जो है स्टार्ट होने वाली है। तो इस व्लॉग को अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा हमारा नेक्स्ट व्लॉग, और ये जर्नी जो है गाइस बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप बने रहना बस मेरे साथ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।